गाइस, और आज है 29 दिसंबर, और आप मौसम देख सकते हो, इतना प्यारा इतना अच्छा मौसम है। तो हम निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। यस, मैं जा रही हूँ नवीन मार्केट कुछ शॉपिंग के लिए न्यू ईयर की। एंड चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि न्यू ईयर में मैंने क्या शॉपिंग करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिए हैं बैग्स। तो ये मुझे एक शॉप मिली है जहाँ पे आपको ऑल ब्रांड्स की कॉपी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं एलवी का बैग है मेरे हैंड में, और इनके पास सारे ही ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ कलेक्शन आप देख रहे हो, बर्बरी एंड डियर और जितने भी अच्छे से ब्रांड होते हैं एलवी, और सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो जिसको भी फर्स्ट कॉपी लेने का शौक हो वो जरूर से जरूर विजिट करे इस शॉप पे। फिलहाल मैंने कोई भी फर्स्ट कॉपी नहीं ली है, और मैंने जो भी बैग लिया ओरिजिनल लिया है, और जब कभी लूंगी तो ओरिजिनल ही लूंगी, कॉपी लेने का क्या मतलब है। तो ये फिलहाल मुझे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था एलवी का, एंड प्राइस भी इसके काफी अच्छे थे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको भी कॉपी लेने का शौक हो, वो जरूर से जरूर इस शॉप पे विजिट करिए। काफी अच्छा कलेक्शन है एंड काफी वैरायटी थी, आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलेक्शन था। मेरा मन तो हुआ बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं लूंगी। एंड फिर उसके बाद मैं एक शॉप पे गई तो मुझे काफी सारे बैग्स से पसंद आए यहाँ पे, वो अपने गोदाम में लेके गए मुझे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। यस, अब मैं जा रही हूँ नशो को लेके चिड़ियाघर, और आज है 30th एंड अभी हम लोग का बस सारा सामान सब कुछ रेडी हो गया है। और उससे पहले मैं कल गई थी शॉपिंग के लिए नवीन मार्केट, और मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ, बहुत रात हो गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। मैंने दिखाया था आपको कि मैं हैंडबैग लेने जा रही हूँ, तो काफी रात हो गई थी इसलिए मैं आपके साथ, तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी शॉपिंग कि मैंने कल क्या क्या आप लिया था। मैं फटाफट दिखाती हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। एंड चलिए मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ फास्ट फास्ट से, क्योंकि कुछ लेके आया और आपके साथ शेयर ना करूं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा है। और चलिए जल्दी से मैं दिखाती हूँ फिर निकलती हूँ। तो मैंने की है बहुत सारी शॉपिंग तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैंने लिया है वो लिया है टॉप व्हाइट कलर का। यस, अभी आने वाले वीडियोज में आप देखोगे कि मुझे बहुत सारे शोज अटेंड करने हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है एक टॉप इस तरह का। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह का टॉप लिया है मैंने, और इसको मैं बहुत जल्द किसी के साथ टीम अप करूंगी, तो आप जल्दी से देखते रहिएगा, मेरे आने वाले व्लॉग्स को भी देखिएगा। तो ये लिया है। फिर मैंने लिए हैं टू ब्रेसलेट्स। तो ये देखिए बहुत सुंदर ब्रेसलेट्स हैं एंड पैक है अभी, तो ये मुझे कॉस्टली है थोड़े से बट अच्छे लग रहे थे, मैंने ले लिया। एक ये रहा, ये देखिए बहुत प्यारा बहुत सुंदर है, और क्योंकि वेस्टर्न के साथ मोस्टली ब्रेसलेट्स वगैरह ही अच्छे लगते हैं। एंड सेकेंड वन दिस वन, तो सेकेंड इज ये। एंड मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा सेट जो मुझे वेस्टर्न के साथ पहनना होगा तभी मैं वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े बहुत सारे सेट थे, छोटे एक भी सेट नहीं थे। तो मैंने लिया है ये एक ब्यूटीफुल सा सेट, ये देखिए। तो ये रहा ब्यूटीफुल सा सेट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। एंड इसके साथ की इयररिंग्स, कुछ इस तरह की इयररिंग्स हैं छोटी छोटी सी, तो ये भी आप मुझे बहुत जल्द पहने हुए मिल दिखेंगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये थी। एंड उसके बाद मैंने लिया है ट्राउज़र, एक बेज कलर का ट्राउजर लिया है क्योंकि बहुत सारे आउटफिट्स के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये रहा बेज कलर का ट्राउजर। बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी मुझे, एंड मैंने टैग वगैरह सब हटा के सब कुछ चेक कर लिया। सॉरी, सारी चीजें मैंने चेक कर ली है क्योंकि जैसे मैं शॉपिंग करके आती हूँ, एज यू नो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है कि मैं उसको थोड़ा सा भी वेट करूं, तो मैंने सब कुछ निकाल निकाल के पहन पहन के देख लिया था। ये लिया है एंड मैंने लिया है ब्लेजर। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ब्लेजर है, अभी मैं आपको फुल नहीं दिखाऊंगी, जब मैं इसको वेयर करूंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये ब्लेजर लिया है, और बहुत जल्द मैं इसको
पहने हुए देखूंगी आपको। तो ये थी मेरी शॉपिंग एंड माई मोस्ट करेंट फेवरेट शॉपिंग जिसके लिए मैं नवीन मार्केट गई थी। तो ये थी इसकी पैकिंग, सॉरी सारी पैकेजिंग मैंने खोल डाली ये बैग। तो इस तरह की पैकिंग, बहुत सुंदर पैकिंग में आया था, काफी अच्छे से पैक्ड था ये, इसके ऊपर भी एक कवर था। तो ये है मेरा ब्रांड न्यू हैंड बैग एंड ये है मेरा ब्लैक कलर और ये है इसका बैक साइड, ये देखिए। और कुछ मेरे पास अभी रिसेंटली ब्लैक कलर का बैग नहीं था, तो ये है इसका बैक एंड दिस इज हिज फ्रंट। तो ये फर्स्ट पॉकेट है, इसमें ऐसे खुल जाता है ये, और इसमें ये फ्रंट पॉकेट है। देन ये रही इसकी अंदर की पॉकेट, और इसमें भी मुझे एक बेल्ट मिली है, यस बेल्ट मिली है जिसको मैं लॉन्ग कर सकती हूँ। ये है ब्यूटीफुल सी हैंडबैग शॉपिंग और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये इसका डिजाइन, एंड ब्लैक कलर तो फेवरेट होता ही है सबका, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं जब ये बैग ले रही थी तो मुझसे बिल्कुल भी मुझे वहां पे बहुत सारे बैग्स पसंद आ गए थे, तो मैंने सेकेंड बैग जब देखा तो आपको भी ये बैग बहुत सुंदर लगेगा। और ये भी बहुत अच्छी पैकिंग में आया था और पेपर वगैरह काफी अच्छे से रैप था, बट मैंने निकाल दिया। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट बैग, ये देखिए। और इसके साथ जो मुझे बेल्ट रिसीव हुई है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसमें सिल्वर कलर की चेन है, सिल्वर इस पे, ये जो मेरा बैग है इसमें गोल्डन है एंड इस पे सिल्वर है, और इस पे मुझे रिसीव हुई है कुछ इस तरह की बेल्ट जिसे मैं स्लिंग भी कर सकती हूँ, तो इसको स्लिंग भी कैरी कर सकते हैं आप देख सकते हो। एंड मुझे इसके साथ एक और कुछ चीज रिसीव हुई है, ये यस, तो मुझे पहले तो नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है, बट मुझे लगा शायद ये इसकी बो बनेगी, तो फिर मैंने इसको इस तरह इसकी बो बना दी है एंड अभी ये लुक वाइज कुछ इस तरह का हो गया है। तो ये रहे मेरे टू हैंडबैग्स जो कि मैंने रिसेंटली बाय है, थोड़े से कॉस्टली हैं बट मेरे फेवरेट हैं, तो मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। मैं लेने तो एक गई थी तो इसको, बट मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो मैंने ये भी ले लिया है। और आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा है जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल है और मैं इसको कैसे कैरी करूंगी, कैसे कैरी कर सकती हूँ, प्लीज अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और मेरी शॉपिंग छोटी सी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चलिए आपको लेके चलती हूँ आज मैं कानपुर के चिड़ियाघर जू में बच्चों के साथ पिकनिक करते हुए। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। और अभी सिस्टर मेरी आ गई है, उसके बच्चे और मैं अपनी नैशा को लेके हमने ओला कर ली है और निकल पड़े हैं चिड़ियाघर के लिए। मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ चिड़ियाघर एक्चुअली, तो अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं, ये हमारी सिस्टर्स आउटिंग है, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चिड़ियाघर एंड चलिए उतरते हैं। और ये देखिए ये है बाहर का कानपुर जो चिड़ियाघर के बाहर का, आप चलिए टिकट लेते हैं फिर बताते हैं। बस यही रहो, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं चिड़ियाघर के अंदर और ये सब बच्चा पार्टी है हमारे घर की, सब लोग हेलो करो। तो अभी आधे लोग आने बाकी हैं, आधे लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चिड़ियाघर के। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब आई थी यहाँ पे, एंड देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं कैसे। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं कानपुर के जू में। तो जू का पहला जानवर दिखा है हमें, ये देखिए आ गए हैं अभी द एडवेंचर पार्क, जहाँ सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो देखिए। और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे पिकनिक के लिए, काफी लोग हैं। सो ये हो रहा है एडवेंचर पार्क में बच्चों के लिए एक्टिविटी,
बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। नाशा करने को कह रही थी, फिर बाद में उसने मना कर दिया, नहीं गई। यहाँ बड़े बच्चे हैं जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस तरह की, एंड जिप लाइनिंग है और काफ़ी सारी रश है, बहुत सारे लोग आए हैं। देखो ब्लैक मंकी बनाना खा रहे हैं सारे मंकी। वाह दे दो, देखो देना भी बना, भी बना दू वाले के मार के। ये है हमारे घर के सारे लोग। के बाद मुझे दिखा यहाँ बिग साइज डायनासोर। एक्चुअली ये रियल नहीं है बट बहुत अच्छा बना, बिल्कुल रियल जैसा दिख रहा है। सो बिग डायनासोर, इतना बड़ा डायनासोर। चलिए इतना बड़ा डायनासोर देख के आगे चलते हैं। बच्चे एक्चुअली पक्षी विहार चले गए हैं और पक्षी देखने, और हम लोग यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं एक बैठ के। अब खाना खाने का टाइम हो गया, बिकॉज 2 से 2:30 बज गया है और भूख भी लगी हुई है, तो सोच रहे हैं कुछ खा लें बैठ के पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना है और भूख लगी है बहुत तेज। तो बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, पहले कहीं बैठ के खाते हैं। और बहुत सारा खाना लेके आए हैं तो बैग्स भी बहुत भारी हो गए हैं, तो कुछ खा लेंगे तो बैग हल्के हो जाएंगे और फिर आगे की जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए बैठ के कहीं कुछ खाते हैं।